वीकेंड शुरू हो गया है, आज सैटरडे है, ऑफिस नहीं जाना है, लॉन्ग वीकेंड है, सैटरडे संडे दोनों दिन की छुट्टी है, मेरा फ्लैटमेट आकर्ष यहाँ पे है नहीं तो मैं घर पे इधर अकेला हूँ। पहले प्लान बन रहा था कि मैं भी दिल्ली जाऊंगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ कि प्लान सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो सुबह की शुरुआत ऐसे करते कि अभी अभी लैपटॉप ऑन कर दिया है मैंने, कुछ कवर्स मंगाने थे मेरे को अपने सेलफोन के लिए, अपने नए सेलफोन के लिए जिससे मैं अभी शूट कर रहा हूँ, तो वही चेकआउट करना है कि उन्होंने डिस्पैच किया है कि नहीं किया, क्योंकि शायद कुछ इशू आ रहा है डिस्पैच करने में उनको वहाँ पे, कोविड की वजह से सब एकदम बेकार चल रहा है मामला। शाम को निकला है फुटबॉल खेलने बनी के साथ, और देख के मजा आया, खेला तो नहीं मैं क्योंकि लास्ट वीक मेरी तबीयत खराब हो गई थी, फीवर ईवर आ रहा था मुझे, तो आई थॉट कि ऐसे ग्राउंड पे उतर जाना, दौड़ना धूपना, ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करना ठीक नहीं होगा। फिर अंधेरा हो गया, गेम खत्म हो गया था, मैं निकल आया हूँ सेंटर पॉइंट की तरफ, एक दो कुछ सामान लेना है फिर मैं घर वापस जाऊंगा। अरे यहाँ तो एकदम ट्रैफिक लगा हुआ है, कैसे जाएंगे आगे, घुमा के जाना पड़ेगा क्या? What should I do? मैं सोच रहा हूँ कि यह यूटर्न ले ही लेता हूँ, लंबा दिख रहा है मेरे को ये, थोड़ा सा टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है, हट जाओ भैया। तो मैं आगे से चक्कर मार के पीछे जाता हूँ, है एक रास्ता उधर से भी, और मेरा ये स्टोर आ गया है, मैगी आटा नूडल्स। हाँ जी, नहीं है, नहीं है आटा नूडल्स, नहीं है कोल्ड ड्रिंक होगी, देखूं मैं कौन सी है, लिमका दे दो, लिमका दे दो, लिमका। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि सेंटर पॉइंट का कैसे चक्कर मार के वापस घर को निकलता हूँ, कोल्ड ड्रिंक ले ली है, डाइजेशन इश्यू हो रहा था कुछ, तो सोचा कि कोल्ड ड्रिंक ले लेता हूँ, मसाला कोल्ड ड्रिंक बना के पीऊंगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज संडे की सुबह फिर से मैं बाइसिकल लेके निकल आया, और आज थोड़ा लेट हो गया हूँ, 7:15 बज रहा है, अपने आलस के चक्कर में मैं उठा नहीं, और तो आज अकेला ही हूँ सुबह सुबह के इस एडवेंचर पे, आज कोई साथी नहीं है, लेट हो गई ना आज मेरे को, तो एकदम देखो धूप धूप निकल आई है, दिक्कत होगी आज बहुत ज़्यादा लंबी राइड लेने में, तो दिक्कत होगी। होम नाउ, धूप बहुत ज्यादा तेज हो गई है, टाइम कितना हो गया है, 9:15 बज रहा है, 9 बज रहा है यार, और 9 बजे की धूप कितनी तेज होगी इसका अंदाजा आप लगा ही सकते हो। 6.5 hours late. तो शाम हो गई थी, तन्मय सर के आए थे, हेलो तन्मय सर कैसे हैं, और साथ में शिवान सर भी हैं, हेलो सर। शिवान सर ने नया गिम्बल लिया है OM का, आई स्टडी X, तो मैंने सर से बोला सर लेके आइए, थोड़ा बहुत इसका कमाल दिखाइए, कुछ लोगों को नहीं पता होगा गिम्बल क्या है, तो वो लोग जाके पोगो देखें, मैं समझाने नहीं वाला। अब तो बहुत कॉमन चीज हो गई है, खासतौर से जब आप चलते हो या आप रनिंग कर रहे हो कहीं पर, तो आपका ना यूजुअली जो कैमरा है वो इतना शेकी हो जाएगा, वो इतना अच्छा स्टेबल नहीं कर पाएगा जितना की एक हार्ड ये होता ना गिम्बल का जो स्टेबलाइजेशन होता है। ये 3 एक्सिस वाला गिम्बल है, 3 एक्सिस में ये है कि आपका टिल्ट पैन है ना, और रोल एक्सिस तीनों कंट्रोल में है, और आजकल इतने गिम्बल के पॉकेट साइज हो गए हैं कि आराम से आपकी पॉकेट में फिट हो जाएंगे। जो स्टार्टिंग गिम्बल आए थे वो इतने बड़े होते थे कि इसको लेने के लिए एक अलग से एक बक्सा लेना का पड़ता था, लेकिन अब आप देख रहे हो कितना कॉम्पैक्ट हैंडी है, इसी वजह से तो भाई ज्यादा यूज में भी आएगा, बहुत बड़ा होता तो इट्स अ ग्रेट गिम्बल। अभी बाहर गया था देखने को कि कोई जगह है कि नहीं टाइमलैप्स बनाने को, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगल बगल हर तरफ बिल्डिंग है, तो यहाँ तो टाइमलैप्स नहीं शूट कर पाएंगे, लेकिन स्टिल कोई बात नहीं, मैं सर से ही बोलूंगा कि घर पे जाके आराम से शूट करके मेरे को एक टाइम लैप्स भेजें, मैं वो जरूर लगाऊंगा अपनी वीडियो में, क्यों सर, ऐसा तो कर ही सकते हैं, ऐसा कर देंगे पक्का पक्का पक्का। A few inches later.
चिके खा के अभी अभी निकले, शिवान सर निकल गया कि मेरे को अपना कैमरा सेटअप करना था, इसीलिए 2 मिनट का मैंने ब्रेक लिया। और उसी बीच आकर्ष का कॉल आ गया, तो आकर्ष ने बताया कि उसकी ट्रेन आ चुकी है, तो उसको जाके पिक करता हूँ अभी रेलवे स्टेशन से। मार्केट में थोड़ी चमक धमक कम दिख रही है संडे के हिसाब से, थैंक्स टू कोरोना वायरस हम आ गए हैं सेंटर पॉइंट की तरफ। और एज यूजुअल यहाँ पे थोड़ी सी भीड़ रहती है, नहीं भाई इस तरफ तो देखो बड़ी भीड़ लग रही है, चाट वाट के ठेले वेले सब रखे हुए हैं भाई। सही है सही है, मुझे आकर्ष नहीं दिख रहा है, उसने बोला वो फ्लाइंग मशीन पे मिलेगा। ओके, या तो वो रास्ते में होगा, मैं जल्दी पहुंच गया होगा क्योंकि वो पैदल पैदल आ रहा है और मैं बाइक से। दिस इज फ्लाइंग मशीन, आई हैव अ फ्लाइंग मशीन, वेयर आर यू वेयर आर यू वेयर आर यू वेयर आर यू। क्या प्लान है? हम तो जोधपुर से खेल के आए हैं अभी। आकर्ष अपने लिए खाना पैक करा रहा है शंघाई इंडियन किचन से। ओके, यहाँ से हम लोग कई बार खाना पैक करा चुके हैं, यहाँ से इनफैक्ट मैंने एक बार इनके यहाँ का थुपका ट्राई किया था, कौशिकी यहाँ पे आई थी उसके साथ, वो हम दोनों को बहुत ही अच्छा लगा था, इट वॉज वेरी वेरी गुड, बहुत सही था वो। वो वेलकम बैक, मेरी साइकिल की जो एक्सेसरीज बाकी थी वो आ चुकी है, इसको खोल के देखते हैं इसमें क्या क्या है। खुल जा यार, खुल गया खुल गया खुल गया। ओके, ओ माय गॉड, दिस इज द न्यू बाइसिकल सीट फ्रॉम BTWin, दिस लुक्स वेरी इम्प्रेसिव यार, देखने से तो ये बहुत सही लग रही है, कंफर्टेबल भी होगी, अब इसको फिट करके देखेंगे। दिस इज द बॉटल, ओके ये भी बॉटल BTWin की है। दिस इज द बॉटल होल्डर, ओके दिस इज द बॉटल होल्डर। दिस इज द बाइसिकल लॉक, ये भी BTWin का है। दिस अगेन इज अ स्मॉल कैरी बैग, जिसको आप यू नो जो रोप वाला होता है, जिसको ऐसे पुल करो और रोप टाइट हो जाती है, बैक पैक टाइप सॉर्ट ऑफ। ये मैंने इसलिए मंगवाया कि साइकिल पे मेरे को कैमरे की एक्सेसरीज वगैरह कुछ कैरी करनी पड़ती है, लाइट वेट वाली थोड़ी कुछ ट्राइपॉड वगैरह, तो ये मैं लेके जा सकता हूँ। ओके देयर यू गो, एंड व्हाट इज दिस, ओ सो नाइस बेल, दिस इज द बेल, नाइस दिस इज नाइस। ये भी अगेन BTWin की है। ये क्या है? ओके ये बॉटल होल्डर को फंसाने के लिए। ओके यू नो व्हाट आई लाइक द मोस्ट अबाउट BTWin इज दैट कि उनके पास हर एक चीज़ होती है आपकी पूरी बाइसिकल को कस्टमाइज करने के लिए। ओ दिस इज द बैग, दिस इज काइंड ऑफ अ सैडल बैग, जो लोग बाइक पे लगाते हैं ना आगे, टैंक बैग का काम जो करता है ये। मैं इसको देखो, जैसे कि आप ये देख सकते हो कि इस ग्राफिक में कि इसको लगाना कैसे है, तो ये इस फॉर्म में साइकिल के आगे लगेगा। यहाँ पे मोबाइल रखने की जगह है ट्रांसपेरेंट, ताकि मैप वगैरह देख पाऊँ इजीली बारिश वगैरह में। और इसमें जो डुअल चेन है, आई गेस इसमें काफ़ी जगह होनी चाहिए, लुक्स बिग लुक्स बिग। ओके और भी कुछ है? एक और बेल, दो बेल इसलिए मंगवाई कि एक बेल सिद्धार्थ सर को चाहिए थी, तो मैंने सोचा अब जब एक्सेसरीज आ रही है तो उनके लिए भी मंगवाई देते हैं। और कुछ है? और कुछ है तुम्हारे अंदर? नहीं है। And also this cool bag, I believe this looks cool. Now I don't know, मैं इन एक्सेसरीज को खुद से लगाऊंगा, किसी दुकान वाले के पास जाके लगवाऊंगा, अभी लगाऊंगा बाद में लगाऊंगा, I don't know. तो और नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को दिखाएंगे कि बाइसिकल कैसी लग रही है इन सारे एक्सेसरीज को लगाने के बाद। आई गेस ये वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं ऑन अ वेरी गुड नोट, सामान भी आ गया है और लगाएंगे देखेंगे। हाँ एक चीज मैं आप लोग को बताना चाहूंगा, जो लास्ट व्लॉग था लॉटरी लग गई वाला व्लॉग, बहुत से लोगों ने मेरे को बोला कि भाई लॉटरी किस चीज़ की लॉटरी लगी, भाई तुमने फोन खरीदा है, इट्स ओके, इट्स लाइक कोई भी मार्केट में जाके पैसे दे करके फोन खरीद सकता है, तो उसमें लॉटरी लगने वाली क्या बात हुई है। तो मैं आप लोगों को बता दूंगी, मेरा फोन गिफ्टेड है, आयुष ने मेरे को अपना iPhone 7 Plus गिफ्ट किया है, बिकॉज ही इज यूजिंग हिज न्यू iPhone 11, तो उसने सोचा कि ये मेरे को काम देगा, एंड उसने बहुत सही सोचा कि इंडोर शूट के लिए, तो आप लोग खुद ही देख सकते हो मैं iPhone से शूट कर रहा हूँ, कितनी सही क्वालिटी आ रही है। GoPro इंडोर शूट्स में थोड़ा सा मेस्ड अप हो जाता है लाइट्स के साथ, इफ़ यू हैव अ वेरी प्रॉपर लाइटिंग सेटअप तब तो ठीक है, अगर लो लाइट में GoPro अच्छा शूट नहीं करता है, खासकर इंडोर्स में। तो हाँ भाई लॉटरी इस चीज की थी। सो नाउ आई एम गोइंग टू एंड द वीडियो, आई होप कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया हो और यहाँ तक देखा है तो प्लीज 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 लाइक का बटन दबा के जाओ और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करो, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन का बटन दबा दो, इसी तरह नया नया कॉन्टेंट एंजॉय करते रहो।
और मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर, गुड बाय, एंजॉय लाइफ, लिव टुडे, लव टुमॉरो.